हेलो स्टूडेंट्स आई एम कविता योर इंग्लिश टीचर एंड टुडे आई एम हेयर विद योर सेकंड पोएम द लेब्रनम टॉप द लेब्रनम टॉप मींस लेब्रनम का ऊपरी सिरा लेब्रनम एक वृक्ष का नाम है द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल लेब्रनम का ऊपरी सिरा जो कि बिल्कुल खामोश है क्वाइट स्टिल अभी तक इन द आफ्टरनून दोपहर के बाद Yellow September sunlight सनलाइट फ्यू leaves येलोइंग और सूर्य की पीली रोशनी से उसके कुछ पत्ते जो हैं वो पीले हो रहे हैं All इट्स सीड्स फॉलन और उसके सभी जो बीज हैं वो गिर गए हैं टिल द goldfinch come कम और तब फिर क्या होता है गोल्फिंच जो कि एक चिड़िया है वो आती है विद ट्विचिंग चिर्प और ट्विचिंग हिलते हुए चिर मतलब चहचहाती हुई वो वहाँ पे आती है अ सडननेस स्टार्टलमेंट और एकदम अचानक एट अ ब्रांच एंड और वो बैठ जाती है एक टहनी के एक सिरे के ऊपर डेंी एज अ जाट और फिर छिप छिपकली की तरह जो है वो काफ़ी पतली और चुस्त होती है और एंड अलर्ट और सावधान हो जाती है एंड अब्रॉप्ट औरा एक आएक, सी एंटर्स द थिकनेस वो प्रवेश कर जाती है उस वृक्ष के गहरे हिस्से में एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप और तभी जो है क्या होता है एक मशीन आरंभ हो जाती है कैसे ऑफ चेटरिंग uh, मतलब चहचहाट चहचहाहट, एंड ऑफ ट्रेमर ऑफ विंग्स यानी पंखों के फड़फड़ाने की आवाज एंड ट्रिलिंग्स ट्रिलिंग मतलब एक प्रकार का जो शोर है या कम कपाहट द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल और सारा का सारा पेड़ जो है वो कांपने लगता है उसमें एक कंपन आ जाती है एंड थ्रिल और वो रोमांच से भर जाता है इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली ये जो है वो उसके फैमिली का उसके परिवार का इंजन है सी स्टॉक इट्स फुल वो इसे अच्छे से भर देती है देन फ्लॉट आउट टू अ ब्रांच एंड और फिर जो है वो फुदक कर उस ब्रांच के सिरे पर फिर से बैठ जाती है शोइंग हर बीयर्ड फेस आइडेंटिटी मार्क्स और फिर जो है वो दिखाती है अपना आइडेंटिटी मार्क्स मतलब कि जो उसका जो चेहरा है जो उसकी पहचान है धारीदार चेहरा उसके नकाब को वो दिखाती है देन विद एरे डेलीकेट विशुल विस्परिंग और तब विद एरे मतलब विचित्र डेलिकेट यानी कि नाजुक और फिर जो है वो बड़े ही विचित्र और नाजुक विशुल चर्प चहचहाती हुई धीरे से सी लॉन्च अवे वो जो है लॉन्च अवे मतलब कि uh, जो है वो उड़ जाती है टुअर्ड द इनफाइनाइट मतलब किसकी तरफ आसमान की तरफ इनफाइनाइट स्काई को बोला गया है एंड लेबनम सबसाइड टू एमपिटी और लेबनम जो है सबसाइड्स मतलब फिर से उसका जो भी है शोर जो है वो कम हो जाता है और फिर से जो लेबनम का जो पेड़ है वो खाली हो जाता है इस पोएम के अंदर राइटर जो है वो लेबनम ट्री के बारे में बताता है और गोल्ड फिंच जो कि चिड़िया होती है वो जैसे ही अपने जो बच्चों को जो कुछ खिलाने के लिए आती है तो वहाँ पे पेड़ के अंदर जिस टाइप से जो चहचहाहट होती है तो उसे इंजन का नाम दिया गया है और किस तरह से जो है वो चहचहाट एकदम से स्टार्ट होता है आने की आवाज़ और फिर एकदम से जैसे ही वो जाती है तो वापस वो फिर से जो ऐसे लगता है कि जैसे लेबनम का टॉप जो बिल्कुल खाली हो गया है और उसके आते ही जो वो ऐसे लगता है जैसे वो जो है लाइफ से ज़िंदगी से भर गया है सो थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग दिस वीडियो